हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल और अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 48, चैप्टर नंबर 8 यानी कि वर्क पावर एनर्जी के एक्सरसाइज का। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग फिक्स एट वन एंड। तो ये ब्लॉक 100 ग्राम का है यानी कि 0.1 kg का है, ठीक है। तो 0.1 kg इसका मास है और इस ब्लॉक को अपन क्या किए, ऐसे कंप्रेस, मतलब इस ब्लॉक को लेफ्ट साइड ले गए ताकि स्प्रिंग कंप्रेस हो जाए। कितनी कंप्रेस हो जाए, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्प्रिंग को अपन 5 सेंटीमीटर कंप्रेस करके छोड़ दिए ब्लॉक को। नाउ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 न्यूटन पर मीटर, तो जो के है वो दे रखा है अपने को 100 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। व्हेन रिलीज द ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली टिल इट लीव द स्प्रिंग। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब ब्लॉक को अपन रिलीज कर देंगे तो ब्लॉक स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो स्प्रिंग ब्लॉक को पुश करेगा। कहाँ पुश करेगा, राइट डायरेक्शन में। तो राइट डायरेक्शन में वो ब्लॉक कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा, ठीक है। और बोला है कि भाई उसके बाद जो है ये प्लेटफॉर्म ख़त्म हो गया और ये ब्लॉक प्रोजेक्टाइल मोशन में आ गया, ठीक है ना भाई। और ऑब्वियस सी बात है, चूंकि ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो ये इनिशियली जो इसकी स्पीड रही होगी या इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी रही होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रही होगी, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस हो गया। साथ ही साथ अपने को दिया हुआ है कि जो ग्राउंड है वो 2 मीटर नीचे है, यानी कि ये वाली जो हाइट है इस प्लेटफॉर्म से लेकर ग्राउंड तक की, वो हाइट 2 मीटर है, ठीक है। तो बोला क्या है कि वेयर विल इट हिट द ग्राउंड 2 मीटर बिलो द स्प्रिंग। स्प्रिंग का जस्ट नीचे वाला पॉइंट ये है, मतलब ब्लॉक जहाँ से लीव कर रहा है इस प्लेटफॉर्म को, है ना भाई। और ये जो है फाइनली वो पॉइंट है जहाँ पर ब्लॉक हिट कर रहा है। तो बेसिकली अपने को ये डिस्टेंस निकालनी है, जिसको मैं आर बोल सकता हूँ। तो ये एक्चुअल में क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का रेंज निकालने के लिए बोला है। तो अगर मैं यू निकाल लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। यू निकाल लूँगा तो यू की हेल्प से मैं आर भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अब स्प्रिंग को कंप्रेस करते समय, कंप्रेस्ड स्टेट में अगर मैं देखूँ तो स्प्रिंग ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। और जब स्प्रिंग रिलैक्स हो जाएगी तो ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। इसको मैं इनिशियल पोजिशन बोल लेता हूँ और इसको फाइनल पोजिशन बोल लेता हूँ। इनिशियली भाई जब कंप्रेस करके रिलीज़ किया गया तो इस इंस्टेंट पे रिलीज़ किया गया यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। फाइनली मैं मान लेता हूँ कि जो इसकी वेलोसिटी है वो यू है, ठीक है। नहीं पता कितनी है, वो निकालना पड़ेगा, है ना। और क्या बोला है क्वेश्चन में कि कितना कंप्रेस किया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक स्प्रिंग को, 5 सेंटीमीटर यानी कि 0.05 मीटर कंप्रेस किया गया है, ठीक है। और ब्लॉक का मास अपने को पता है कितना है, 0.1 kg, 0.1 kg, ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 100 न्यूटन पर मीटर। तो मैं इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक जो फाइनल पोजीशन है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई फ्रिक्शन या डिसिपेटिव फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि भैया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात ना करते हुए अपन क्या करेंगे, सिर्फ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, है ना भाई। तो के आई कितना हो गया, 0, इनिशियली 0 है ना। के फाइनल क्या हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। यू इनिशियल क्या हो गया भाई, शुरू में स्प्रिंग कंप्रेस्ड स्टेट में है, कंप्रेशन कितना है, 0.05 मीटर। तो ये जो यू इनिशियल है वो हो जाएगा हाफ इंटू के इंटू 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा, हाँ, हाफ इंटू के, और के की वैल्यू कितनी है भाई, 100 है ना, इंटू 0.05 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, के फाइनल तो अपन लिख चुके हैं। और यू फाइनल क्या होगा भाई, फाइनली स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ में आ जा रही है ना, नेचुरल लेंथ में आ जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास क्या इक्वेशन बन के आ रही है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 25/10,000, ठीक है ना। 25/10,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम कितना है, 0.1 है, और ये वी का स्क्वायर, ठीक है।
तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 1/2 1/2 गायब, ये 1 1 2 0 कट गया है ना, और ये पॉइंट है 1 है, तो 0.1 को नीचे ले जाके मल्टीप्लाई करूँगा तो एक 100 को गायब कर देगा, मतलब एक 0 को गायब कर देगा, और इससे v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी u की वैल्यू, ये u है ना, यानी कि ये ब्लॉक जब इस स्लैब इस प्लेटफॉर्म को लीव करेगा तो कितनी स्पीड से लीव करेगा, 2.5 अंडर रूट ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लीव करेगा, ठीक है। तो अब मैं इतनी कहानी को ख़त्म कर सकता हूँ इससे पहले कि इन सब को मिटा सकते हैं अपन, है ना, वर्क पावर एनर्जी, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ किए हैं अपन यहाँ पर, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ किए हैं, सॉरी, ठीक है ना। अब अपना क्वेश्चन लिमिटेड हो गया एक सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि भैया एक पार्टिकल है जिसको इतनी स्पीड से रिलीज किया गया है एट एन हाइट ऑफ 2 मीटर, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो कितना होता है भाई, अंडर रूट 2h/g, ठीक है, तो वो हो जाएगा 2 × h यानी कि 2/g, तो ये हो गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और जो रेंज होती है यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, तो u यानी कि अंडर रूट 2.5 इंटू टाइम, जो कि हो जाएगा 2 × 2/g, ठीक है भाई। तो अब g की वैल्यू क्या होती है, g की वैल्यू होती है 10, है ना भाई। अब ये सब कुछ अंडर रूट में है, दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, तो ये 2.5 और ये 4 बन गया, ठीक है, और ये 2 × 2 4/4 क्या हो गया, 1 हो गया, अंडर रूट 1 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 मीटर इज़ द रेंज, ठीक है। अब इसका आप आंसर देखोगे, अब इसका आंसर थोड़ा सा √2 × √, एक मिनट, हाँ ठीक है, इसका आंसर 1 मीटर ही दे रखा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जी इज इक्वल टू 10 लेने से आंसर आएगा, जी इज इक्वल टू 9.8 लोगे तो आंसर थोड़ा सा हल्की सी उसमें एरर आएगी, ठीक है ना, और कुछ नहीं। तो और ऐसा होते रहता है, अपने को हम लोग इस बारे में कई बार बात किए हैं, एससी वर्मा में कई बार जी मेंशन नहीं किया रहता 10 लेने लेने को, और 10 लेने से राइट आंसर आता है ना। तो यहाँ पर आप जी की वैल्यू 10 ले लेना अगर आपको आंसर लाने में कोई दिक्कत हो रही हो तो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ में आया हो, तो